हेलो, वेलकम बैक। दिस इज प्रतीक और आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का तरीका देखेंगे। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं दो तरीकों से, या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली। अब इनका क्या मतलब हुआ, तो चलिए कोड में देखते हैं सीधा। ओके, यहाँ पे मैं एक HTML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और बेसिक HTML कोड यहाँ पे डाल दिया मैं और बॉडी में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले H1 टैग और इसको सेव करते हैं, आ जाते हैं ब्राउजर पे। ओके, तो ये मेरा कुछ इस तरह से बेसिक आउटपुट आ रहा है। आई होप ये सब को आता होगा इतना दूर तक। ठीक है, आ जाते हैं कोड में वापस से और अब लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट लिखने का तो तरीका मैं आपको बताया, दो होता है। पहला होता है इंटरनल JS, दूसरा होता है एक्सटर्नल JS। अब इनका क्या मतलब हुआ, इंटरनल JS का मतलब हुआ कि मैं यहीं पे सीधा स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा और उसके बीच में मैं अपना जावास्क्रिप्ट लिख दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से अलर्ट आ गया है मेरा। दूसरा तरीका हो गया, एक तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और दूसरा तरीका हो गया कि मैं इस तरह से पहले एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करूँगा। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा अलर्ट अलर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, सेव। इसको यहाँ पे फिर लिंक करेंगे, तो लिंक एक्सटर्नल JS किस तरह से, तो लिखूंगा स्क्रिप्ट ही स्क्रिप्ट और यहां पे देंगे SRC और SRC में मैं अपने फाइल का नाम दूंगा। और जैसे ही फिर ब्राउजर में आएंगे ये लोड हो चुका होगा। आप देख सकते हैं ये अलर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का ये सारा काम किया हुआ है। ओके, तो चलिए आते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा H1 टैग है इसको मैं थोड़ा सा एक ID देता हूं, हेडिंग, और app.js में आता हूँ और फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ आई होप गेट एलिमेंट बाई ID, आपको समझ में आ रहा होगा क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना हूँ कर रहा हूँ जिसका ID मैं यहाँ पे पास करूँगा, जैसे कि यहाँ पे अभी हेडिंग है मेरे पास और इसका मैं चाहता हूँ कि डॉट स्टाइल डॉट, अब इसको मैं कर देता हूँ कलर, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इज इक्वल्स टू, मैं इसको अभी ब्लैक से रेड कर देना चाहता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML में चेंजेस ला सकते हैं। ओके, फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक बटन हो और ऑन क्लिक पे मैं प्रिंट पेज नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अब ये फंक्शन तो मैंने बनाया नहीं है, तो चलो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ app.js में। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल प्रिंट को कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो आ जाते हैं और देखते हैं प्रिंट पेज मेरा काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये अच्छे से काम कर रहा है और मेरा पेज प्रिंट होने के लिए रेडी है। तो जनरली आप जो भी साइट्स पे देखें कि बटन के क्लिक करने पे पेज प्रिंट हो जाता है या प्रिंट का डायलॉग ओपन हो जाता है, तो वो सब जावास्क्रिप्ट की मदद से होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से जावास्क्रिप्ट को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी कोडिंग।